आज 22 मई को रमजान मुबारक के आखिरी जुमे के दिन रहबर इनकलाब रूहुल्लाह मुस्लिम इमाम खुमैनी का ऐलान था कि तमाम दुनिया के मुस्तज़फ़ीन और मज़लूमीन की हिमायत में आवाज़ उठाई जाए, तमाम जालिमों के खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद की जाए। चूँकि आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है जिसे जुमतुल अलविदा कहते हैं हमारे यहाँ, तो इस बात को मलहूज़ नज़र रखते हुए चूँकि हालात में लॉकडाउन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो लॉकडाउन को मलहूज़ नज़र सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम आवाज़ भी बुलंद कर सकें और हुकूमत के जो अहकाम हैं कानून हैं उसका भी एहतराम कर सकें। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ नज़र रखते हुए हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारा मेन मकसद ये है कि हम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। चूँकि दुनिया में आप जहाँ भी दो मुल्कों में जंग हो रही है उसे देखें तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इसराइल का हाथ नज़र आएगा, और अगर मज़लूमीन की आवाज़ को देखें आप तो दुनिया में वाहिद मुल्क फिलिस्तीन ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़लूम यतीम मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों की खबरें हों तो फिलिस्तीन है, और सबसे ज़्यादा जहाँ बेवाएँ रहती हैं वो मुल्क भी फिलिस्तीन है, और हमारे ऊपर शरी फरीजा है कि फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। और इसराइल जो हर मुल्क में कत्ल वारदात करा रहा है, इसका मकसद खून रिजिया करना, मुसलमान मुल्कों को खून आलूद कर देना।